चलिए, मार्केट की महारथी में आज हमारे साथ राजेश सहगल हैं, मैनेजिंग पार्टनर इक्विनिमिटी वेंचर्स के. राजेश, मॉर्निंग, प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो. कई सारे सेक्टर्स जिसके हम मूव देख भी रहे हैं, उनमें से एक स्पेशल सेक्टर जो मैं आपसे डिस्कस भी करना चाहती थी वो है हेल्थ केयर सेक्टर. क्योंकि इन लास्ट फ्यू वीक्स आप देखें तो कई सारे नए हेल्थ केयर फंड्स लॉन्च हुए, NFO लॉन्च हुए, और बड़ा फ्लोज आप देख भी रहे हैं कि फार्मा में, हॉस्पिटल में, हेल्थ केयर में जा भी रहे हैं. इस पूरे स्पेस में आपको कितना मोमेंटम दिखता है, आप कितने बुलिश या फिर क्या व्यू रखते हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका. नहीं, आई थिंक हेल्थ केयर सेक्टर जो है इसमें दो पीसेस अगर आप देखें, एक है हॉस्पिटल सर्विसेज ओरिएंटेड और दूसरा है राजेश के साथ संपर्क फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं. लेकिन राजेश, जिन फार्मा स्पेस पे, और फार्मा स्पेस सिर्फ आज नहीं, हम पिछले कुछ वीक्स पहले की भी बात करें तो ये बात हुई है, हमने कई बार बात की है कि फार्मा में, और स्पेशली आप मिड कैप फार्मा के कुछ स्टॉक्स देखें, लार्ज कैप फार्मा में भी आपको इनफैक्ट ब्रेकआउट जैसे लेवल्स सन फार्मा जैसे देखे हैं लास्ट वीक में. राजेश अब हमारे साथ वापस आ गए. राजेश, और स्टॉक्स में ब्रेकआउट भी आपको दिख रहा है, अच्छा, आप प्लीज़ पूरी बात करें अपनी. हाँ, सॉरी, थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम था. पर हेल्थ केयर में जैसे मैं कह रहा था, जरा एक दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं सेक्टर को. एक है सर्विसेज सेक्टर और दूसरा है प्रोडक्ट सेक्टर. तो सर्विस सेक्टर में जैसे हॉस्पिटल हो गया, फार्मेसीज हो गई, ये सर्विसेज हैं. और प्रोडक्ट सेक्टर में अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर रेड्डीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं. आई थिंक इसमें वैल्यूएशन अगर आप देखें तो प्रोडक्ट कंपनीज में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है कंपैरेटिव और रिलेटिव बेसिस पर. ग्रोथ जो है ऑन द ग्राउंड ना ही इंडिया में बट ऑल्सो US वगैरह में थोड़ा थोड़ा उभरता दिख रहा है हेल्थ केयर में, फार्मास्यूटिकल्स में. तो आई थिंक ये जो न्यू इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं बोथ म्यूचुअल फंड या दूसरी स्कीम्स लेकर, आई थिंक ये काफी सही समय पर कर रहे हैं और इकोनॉमी में भी हमारा इस सेक्टर पर काफी पॉजिटिव व्यू है. तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. ये आपका जो नया लुक है ना सर, काफी अच्छा लग रहा है. मैं तो ऑन एयर काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है तो इसलिए आपका लुक काफी अच्छा आ रहा है. अब आप और भी इंटेलेक्चुअल और भी समझदार लग रहे हैं, ऑलरेडी पहले से ही थे लेकिन अब आप और भी एक नॉच और ऊपर हो गए. जैसे कहते हैं ना कि अपग्रेड कर देती है ब्रोकिंग हाउसेस, तो ऐसे आपका अपग्रेडेशन हो गया सर इंटेलिजेंस में. राजेश जी, एक छोटी सी बात मेरे को आपसे और पता करनी है. ये लिए एक और एक नॉच आपने ये अच्छा रहा, एक नॉच आपने और अपग्रेड कर दिया आपने आपको. वेरी गुड सर, ग्रेट. अच्छा सर, कल का मैच और कुछ कुछ IT कंपनीज की ना मेरे को सिमिलैरिटी सी दिखती हैं. टीम अच्छी है, सब कुछ ठीक है, बट वो जीत नहीं पा रही है ना. IT कंपनीज भी ऐसी है, वैल्यूएशन है, बिजनेस अच्छा है, डॉलर रुपी इक्वेशन उनके फेवर में आ गई, सब कुछ तो ठीक है लेकिन जीत नहीं पा रहे मार्केट का मन और इन्वेस्टर्स का मन, ऐसा क्यों सर? आई थिंक ये बहुत ही काफी कॉम्प्लिकेटेड आंसर दे सकते हैं, इसका उत्तर दे सकते हैं, बट एक सिंपल अगर रखें तो ये एक न्यू टेक्नोलॉजी जो आजकल बहुत बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आई थिंक ये उसका काफी प्रभाव रहेगा IT सेक्टर पर, क्योंकि जो अगर आप IT कंपनीज को देखें तो इंडियन IT कंपनीज का सबसे बड़ा एसेट है पीपल, लोग हैं, जो बेसिक इंजीनियर्स, बेसिक ग्रेजुएट्स जो कोडिंग करते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जो टेक्नोलॉजी है ये काफी लो लेवल एम्प्लॉयज हैं जो बेसिक कोडिंग करते थे, टियर टू टियर थ्री इंजीनियरिंग कॉलेज से पास होकर आपने छोटी मोटी बड़ी बड़ी कंपनीज में अच्छा जॉब मिल जाता था. आई थिंक ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखते थे, बेसिक प्रोग्राम्स लिखते थे, ये अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI जो जो न्यू टेक्नोलॉजी है ये उसको रिप्लेस कर रही है. आई थिंक मार्केट में ये अनसर्टेनिटी है कि ये रिप्लेसमेंट का क्या इम्पैक्ट होगा कंपनीज पर, उनके रेवेन्यू ग्रोथ पर, उनके जो क्लाइंट्स हैं उनको, उन क्लाइंट्स जो, वो क्लाइंट्स जो बिजनेस दे रहे हैं इंडियन कंपनीज को, वो बिजनेस का जो लेवल है उसमें कुछ इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा. तो आई थिंक ये बहुत ही एक नया दौर है ऐसा मान सकते हैं, जो AI टेक्नोलॉजी आ गया है और उससे जो प्रोडक्ट कंपनीज है, अगेन IT में जो प्रोडक्ट कंपनीज है उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए एक्चुअली अच्छा है ये. बट जो सर्विसेज कंपनी है, विच इज जो इंडिया में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, आई थिंक उन पर काफी असर होगा. और ये इसीलिए यू नो करेंसी फेवर में होते हुए, जो पुराने मेट्रिक्स हम देखते थे
करेंसी फेवर में है, ऑर्डर बुक आ रही है, वो सब सब सही अलाइंड है, लेकिन परफॉर्मेंस में जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट आप असेस कर पाए किस इतना असर हो रहा है, तब तक वैल्यूएशन ऐसे ही रहेंगे। राजेश जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर देखिए, अब तो स्टेट के जो इलेक्शंस हुए हैं उसके नतीजे भी आ जाएंगे 3 दिसंबर को, और अब ये साल ख़त्म होने में बमुश्किल 40 दिन का टोटल वक्त रह गया है, और नतीजों का सीज़न पीछे छूट गया। तो यहाँ से बाज़ार को अगर चलना है तो ट्रिगर्स कौन से अहम होंगे आपके हिसाब से, कहाँ फोकस करना चाहिए और किस तरह से बाज़ार में अपने आप को प्लान करना चाहिए? देखिए 40 दिन का तो मैं कुछ बता नहीं सकता क्योंकि सिंपल ट्रिगर इलेक्शन के रिजल्ट रहेंगे। बट आई थिंक इसमें दो चीजें हैं जो मैं हम लोग एक्चुअली इकोनॉमी में देख रहे हैं। हमारा ज्यादा फोकस मिड कैप स्मॉल कैप पे रहता है, तो उस लेंस से अगर आप देखें आई थिंक अगले 40 दिनों में पहला तो इलेक्शंस का जो रिजल्ट आएंगे उसका काफी इम्पोर्टेंस रहेगा, बिकॉज वो एक प्रीकर्सर है, एक इंडिकेटर है कि नेशनल इलेक्शन जब होंगे अगले साल तो उस पर क्या हो सकता है। आई थिंक उसका इसलिए इन रिजल्ट्स का थोड़ा इम्पोर्टेंस रहेगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म देखें और थोड़ा थोड़ा रुई का इन्वेस्टमेंट होराइजन अपना रखें, तो दो चीजें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगी। आई थिंक एक है जिसकी मैं पिछली बार भी बात करके गया आपके साथ, अर्निंग साइकिल। आई थिंक कंपनीज की जो मुनाफे हैं, जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं, उसकी साइकिल जो है उसमें मुझे अप ट्रेंड दिख रहा है, काफी समय से दिख रहा है। और आई थिंक अगर आप एक हैं, तो आज प्रॉफिट जितनी कंपनीज हैं उनका अगर आप प्रॉफिट लें और उसका एक जीडीपी इंडिया की जीडीपी से कंपैरिजन करें तो वो रेशियो एक तकरीबन 5% है अभी। हमारा मानना है कि ये 5% प्रॉफिट टू जीडीपी जो रेशियो है ये 5% से लेकर अप साइकिल में 7-8% तक जाएगा। 5% से 7-8% ज्यादा नहीं लगता, बट एक्चुअली अगर आप अमाउंट देखें तो बहुत ही बड़ा ट्रिगर रहेगा मार्केट के लिए अगर हमारी कंपनीज के प्रॉफिट इसमें इस तरह बढ़ते रहे और 7% ऑफ जीडीपी की तरफ जाए। आई थिंक वो एक है। दूसरा, आप देखें तो स्टॉक्स तो हम बात करते रहते हैं, बट अगर देखें तो सोना चांदी वगैरह इन सब का भी पिछले एक साल में भाव काफी स्ट्रांग रहा है। एसआईपी फ्लोज जो मार्केट में आते हैं, इक्विटी मार्केट्स में आते हैं, उसका भी प्रभाव और फ्लो बहुत ही अच्छा रहा है। आई थिंक मार्केट्स में ज्यादा चिंता की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि हमारे एसआईपी के जो भाई लोग हैं जो एसआईपी करते रहते हैं, आई थिंक वो मार्केट को संभाल के रखा उन्होंने, तो मार्केट ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक हो गया है। जैसे कि हमने अभी फार्मास्यूटिकल्स की बात की, वैसे टेक्नोलॉजी की बात की, ये सेक्टर्स है जिसमें थोड़ा ध्यान बना के अच्छी कंपनीज को आप किसी भी समय पर ले सकते हैं। इलेक्शंस का मेरा मानना है कि जो चुनाव होते हैं वो एक हमारी जो डेमोक्रेसी है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, एकदम इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और ये हर साल कुछ स्टेट इलेक्शन होते हैं, हर 4-5 साल में नेशनल इलेक्शन इंडिया में, यूएस में, हर जगह होते हैं। आई थिंक उनका लॉन्ग टर्म में जिस तरह का अभी पॉलिटिक्स चल रहा है, जो हम हमारी कंपनी की वैल्यूएशन में और फोरकास्ट में उसका एस्टिमेट लेते हैं, तो वो सब पॉजिटिव ही है। आई थिंक आई डोंट थिंक कि कुछ बड़ा सरप्राइज आएगा और कुछ ऐसा पूरी जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है वो डीरेल हो जाएगी और गलत दिशा में चली जाएगी। आई थिंक पॉलिटिक्स में जो भी पार्टी आएगी उसको ये मोमेंटम बनाए रखना होगा। आई थिंक ये इसका कोई ऑप्शन नहीं है। जो जो वोट करते हैं आप और मैं, हम लोग जो वोट करते हैं, जो कॉमन मैन इंडिया में वोट करता है, हम लोगों ने अभी ये टेस्ट कर लिया है। हम लोगों को अभी पता चल गया है कि ग्रोथ से क्या होता है, हमारी लाइफ में क्या असर होता है, कितनी अच्छी हमारी जिंदगी हो सकती है। तो आई थिंक हमारा व्यू पॉजिटिव ही है। ऑल राइट राजेश, एक ट्रेंड जो हमने प्रीमियमाइजेशन का देखा फ्रॉम लास्ट क्वार्टर्स, और आप प्रीमियमाइजेशन में चाहे आप, और ये अभी इस वीकेंड पे न्यूज़ आई, ऑडी और मर्सिडीज इनकी रिकॉर्ड डिस्पैचेस रहे हैं इस फेस्टिव सीजन में, और प्रीमियमाइजेशन का यही ट्रेंड आप सिर्फ कार्स, लग्जरी कार्स में क्यों देखे, आप लग्जरी अल्कोहल में जैसे सूला जैसे क्लियर कट एग्जाम्पल्स हैं प्ले आउट इस थीम पे अगर किसी को करना है, और वो अपना कैपेक्स भी बढ़ा रहे हैं। ये जो प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड रहेगा इसमें ये स्टॉक्स लाइक लैंडमार्क, सूला, और ये अच्छे चल रहे हैं। आई नो अगर आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस है स्टॉक्स पे बात करने के, तो कैन यू जस्ट टेल अस मोर अबाउट दिस ट्रेंड, क्योंकि के शेप रिकवरी वो भी बहुत इंटैक्ट है, यानी रिच इज गेटिंग मोर रिचर, तो प्रीमियमाइजेशन का ये ट्रेंड क्या अभी चलता रहेगा या थोड़ा बहुत फोकस अफोर्डेबल पर भी शिफ्ट होगा आगे चल के? ये आई थिंक भारत में दो हिस्से अगर आप करें,
तो एक प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड जो आप बोल रहे हैं, आई थिंक ये बना रहेगा। इसको इसके लिए थोड़े अब जैसे कि आरबीआई ने रिस्क वेट बढ़ा दिए पिछले हफ्ते, तो उससे जो लेंडिंग है, अनसिक्योर लेंडिंग जो है, उस पर थोड़ा असर पड़ेगा। उसका असर प्रीमियमाइजेशन के मार्केट पर भी आएगा और नॉर्मल कॉमन मैन के मार्केट पर भी आएगा, दोनों जगह आएगा। आई थिंक प्रीमियमाइजेशन का जो ट्रेंड है, जैसे कि हमारी अगर आप एवरेज इनकम, एवरेज इंडियन का इनकम देखें, साल का, सालाना का, आई थिंक उसका ट्रेंड भी अपवर्ड्स है। अगर आप प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लॉन्चेस देखें तो उनके उनके उसका ट्रेंड भी अपवर्ड्स है। आई थिंक एक डेटा पॉइंट आके पिछले 9 महीने में, आपने जैसे 4 व्हीलर्स की बात की, कार्स की बात की, पिछले 9 महीने में जैन से सितंबर का जो डेटा था, सितंबर 30 तक का, पहली बार भारत में 1 करोड़ रुपए के ऊपर की प्राइस की गाड़ियां, पहली बार वो नंबर 70-80 लाख रुपए वाली गाड़ियों से ज्यादा बिका है। इसका क्लियर मतलब है कि ये खाली प्रीमियमाइजेशन नहीं है, ये लग्जरी हो गया है। तो लग्जरी मार्केट भी काफी ग्रो हो रहा है। प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड आई थिंक ये 2005 चार पांच की साइकिल जो थी उसमें हमने देखा था, और अभी जो साइकिल चल रही है इसमें तो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। आई थिंक ये ट्रेंड बना रहेगा, और बिकॉज भारत में स्टेजेस हैं और फेजेस हैं, आई थिंक जो लोअर इनकम के लोग हैं उनकी भी आमदनी बढ़ रही है। और जैसे हमने देखा है मूव टुवर्ड्स मेट्रोज, छोटे शहरों से लोग बड़े शहरों में जाते हैं एक्सेट्रा, ये 20 साल से चल रहा है बाय द वे ये मूव। आई थिंक वो जो बेस बेस मार्केट लेवल, वो उसकी ग्रोथ भी बनाए रखेगा। आई थिंक और कोई कॉन्फिडेंस है भारत में कि बेसिक जीडीपी ग्रोथ हमारा 5-6% तो नॉर्मल हो जाता है। क्वेश्चन है कि वो 5-6% ग्रोथ तो हमने एज्यूम कर लिया, अब उसके ऊपर 7-8% कैसे पहुंचेंगे, 9-10% की जो पिछले डिकेड में बात हुई थी वो वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे। अगर हम हमें ये मानना है कि इंडियन इकोनॉमी, भारत इकोनॉमी चाइना इकोनॉमी से ज्यादा फास्ट ग्रो हो रही है, और जो चाइना ने 30 साल पहले किया वो अभी हम जो 30 सालों में किया हम वो 15 सालों में करेंगे, तो हमारा ग्रोथ रेट बहुत ही जरूरी है कि 8 और 10% के बीच में ग्रो हो। उसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है। तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक कॉन्वर्सेशन करें, बट आई थिंक प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड जो आप पूछ रहे थे वो अपवर्ड्स बना रहेगा। उसमें जो कंपनीज हैं, ऑब्वियसली आपने कुछ नाम लिए, बट और भी बहुत सारी हैं, कंजम्पशन कंपनीज हैं, कंज्यूमर कंपनीज हैं। आई थिंक कंपनीज अपना ध्यान बनाए रखना चाहिए, और ये मिड कैप और स्मॉल कैप भी मिल रही हैं तो और भी अच्छा है। राजेश सर, एक ये न्यू एज कंपनीज कहते हैं हम टिपिकली, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती है, टेक कंपनीज, जैसे कि पेटीएम है, कार ट्रेड है, या कुछ इस तरह की और कंपनीज आई, नायका भी हमने देखा है, लिस्ट होने के बाद तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई लेकिन अभी ठीक है। आपके अगर कंप्लाइंस अलाउ करते हैं तो आपको कहीं पे वैल्यू और ग्रोथ कहीं दोनों में किसी भी शेयर में कहीं दिखती है तो जरा वो नाम बता सकते हैं आप, नहीं तो आप सेगमेंट भी इंडिकेट कर सकते हो, कंपनी हम ढूंढ लेंगे सर। नहीं देखिए, न्यू एज कंपनीज जो लिस्ट हुई हैं इसमें इन कंपनीज को अंडरस्टैंड करने में, इनका एनालिसिस करने में एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच की जरूरत है। आई थिंक मेरा एडवांटेज ये रहा है कि मैं 25 साल स्टॉक मार्केट में मैंने निकाले, और पिछले 14-15 साल से मैं अनलिस्टेड मार्केट्स में भी काम कर रहा हूँ। तो जब मैं इस इकोसिस्टम में बात करता हूँ तो वो जो लैंग्वेज है, वो जो भाषा है, जिस तरह की बातें होती हैं, जो चीजों पर फोकस है, वो कम्प्लीटली लिस्टेड मार्केट से बहुत ही डिफरेंट है। तो जब ये न्यू एज इकोनॉमीज अनलिस्टेड से लिस्टेड बन जाती हैं, आई थिंक वो लिस्टेड मार्केट के जो हमारे हैं उनको इन कंपनीज को समझने में, इन कंपनीज के बारे में एक ऑन द ग्राउंड रियलिटी अंडर करने में थोड़ा और लग रहा है। जैसा कि हमने देखा लिस्टिंग के बाद में हर न्यू एज कंपनी का भाव बहुत ही बुरी तरह से परफॉर्मेंस किया है उन्होंने। बट अभी जैसे जैसे कि आपने हाईलाइट किया कि पेटीएम या नाइका या वो सब जो कंपनीज है पिछले 12 महीने में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो मेरा मानना यह है कि जब तक ये कंपनीज अपना बिजनेस मॉडल मार्केट को अच्छी तरह समझाएं और मार्केट इनके बिजनेस मॉडल्स को अच्छी तरह समझे तो वो एक वोलेटिलिटी फेस रहेगा। आई थिंक इसमें प्राइस मूवमेंट्स बोथ अप एंड डाउन दोनों आपको काफी दिखेंगे। जब तक कि ये कंपनीज लिस्टेड मार्केट की मेच्योर कंपनीज के जैसा बिहेव करने नहीं लगे। आई थिंक ये अगर आप यूएस में भी देखें तो हमने ये यूएस के मेन इंडेक्स और नैसडैक में ये डिफरेंस बहुत देखा है। फर्क ये है कि वहां पे ऐसी कंपनीज नैसडैक पर जाके लिस्ट हो जाती हैं और वहां के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये समझदारी है, अंडरस्टैंडिंग के इन कंपनीज को कैसे वैल्यूएशन वैल्यू किया जाए, इनको कैसे एनालाइज किया जाए।
तो आई थिंक ये न्यू सेक्टर जो है हमारा तो बहुत ही चहेता सेक्टर है, हमारे काफी अंडरस्टैंडिंग रही है और हम फोकस। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और तमाम मुद्दों पर अपने विचार हमसे साझा करने के लिए।